हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल आई पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, थंबनेल बनाने के लिए आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों मैं जिस एप्लीकेशन से बनाता हूँ वो बहुत कमाल का एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। तो पिक्सल लैब दोस्तों काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है, और ये बड़े बड़े यूट्यूबर इस एप्लीकेशन को यूज़ करके यहाँ से थंबनेल बनाते हैं। तो दोस्तों, इसी थंबनेल से आपको दोस्तों अपने मोबाइल पे बना के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप भी अपने वीडियो पे बना के लगा सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को दोस्तों आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो और वहाँ से सब कुछ आप बना सकते हो अपने मोबाइल पे। तो चलते हैं दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं लाइव करके कि कैसे वहाँ से बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्निकल आई को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल टेक्निकल आई को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के यूट्यूब से रिलेटेड नई सारी वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। अब आपको बताता हूं कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, थंबनेल बनाने के लिए आपको अपने फ़ोटो का एक पीएनजी इमेज निकालना पड़ेगा। पीएनजी इमेज आप यहां पे दोस्तों क्रोम ब्राउज़र से निकाल सकते हो ऑनलाइन। तो यहां पे क्रोम ब्राउज़र पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है रिमूव, उसके बाद स्पेस देना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको बीजी लिख देना है। बीजी लिखने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे देख सकते हो अपलोड इमेज का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपलोड इमेज है, तो इस पर आपको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप कोई भी अपना एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर यहाँ पे डन का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ सेकंड का आप टाइम लेगा, यहाँ पर देख सकते हो अपलोडिंग हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमारे फोटो का जो है बैकग्राउंड हट जाएगा, वो पीएनजी इमेज हो जाएगा। पीएनजी इमेज निकालने के बाद दोस्तों उसे हम अपने थंबनेल पर आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो बैकग्राउंड जो है यहाँ से निकल चुका, रिमूव हो चुका ऑनलाइन। उसके बाद यहां पे हमारा फोटो जो है सामने आ चुका। अब यहां से डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहां पे तुरंत फोटो हमारे जो है गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। तो यहां पे देख सकते हो फोटो डाउनलोड हो चुका है। तो अब चलते हैं दोस्तों प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आपको आना है और यहां पे सर्च कर लेना है पिक्सल लैब। जैसे दोस्तों सर्च करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहां पे मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो यहाँ से दोस्तों मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है इसके। तो यहाँ पे इसे ओपन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहा है, तो इस पर आप क्लिक कर लीजिए। अगर दोस्तों आप इसका जो है कलर चेंज करना चाहते हैं, या तो यहाँ से आप नीचे देख सकते हो बहुत सारे आपको कलर मिल जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी कलर यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हो इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, डिलीट का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट पे ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज साइज का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको कस्टम लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों यूट्यूब थंबनेल लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों ये थंबनेल साइज पर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें जो है एक फ़ोटो अपना लगाना है, और यहाँ से हमें लिख देना है थंबनेल कैसे बनाना है। तो लिखने के लिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है। अगर आप फोटो लगाना चाहते हैं तो फोटो लगा लीजिए। अगर दोस्तों यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ये जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कलर का ऑप्शन है, तो कलर पर क्लिक करिए। यहाँ पर ब्लू और रेड कुछ भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। आप ब्लैक चाहें तो ब्लैक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए मैं ब्लैक को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ये प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, ऊपर देख सकते हो साइड में, तो प्लस वाले पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट लिख के आ जाएगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। डबल टैप करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो यहाँ से आपको जो है इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिख देना है, जैसा कि मैं थंबनेल पे वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों मैं थंबनेल ही लिख के यहाँ पे बना के आप दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिख देना है मैक, तो यहाँ पे मैक ऑन, तो यहाँ पे मैक लिखना है। इसके बाद में आपको लिख लेना है यहाँ पे HD, और उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों इसका साइज जो है यहाँ से आपको बड़ा कर देना है। साइज़ बड़ा करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यह कुछ इस तरह से आएगा, तो इसे आप खींच के यहाँ से बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो है
मैं यहाँ से कुछ तरह ले लेता हूँ। यहाँ से आप दोस्तों इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बीच में जो राउंड राउंड गोल वाला दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कलर का ऑप्शन है, तो आप कलर वाले पे क्लिक करके यहाँ पे कलर को इनेबल कर दीजिए और ये रेड कलर में आ जाएगा। आप यहाँ पे चाहे तो ब्लू कर सकते हैं और बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, तो आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर फिर आपको प्लस वाले पे आपको क्लिक करना है। प्लस वाले पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस पे दोस्तों आपको डबल टैप करना है और यहाँ से आपको लिख देना है थंबनेल। तो यहाँ पे दोस्तों थंबनेल लिखने के बाद ओके कर देना है और यहाँ से आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं खींच के। तो यहाँ पे दोस्तों थंबनेल मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे इसका कलर भी आप चेंज करना चाहे तो कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको इस पर टैप करना है, उसके बाद एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस ए वाले पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जब स्लाइड करोगे तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको कलर पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप रेड कलर या ग्रीन कलर कोई भी कलर चाहे तो यहाँ पे आप जो है चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सिलेक्ट किया है ग्रीन कलर, तो ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको लिख देना है ऑन मोबाइल, तो यहाँ पे टेक्स्ट वाले पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट पे आपको डबल टैप करना है, उसके बाद यहाँ पे ऑन मोबाइल, तो इस कुछ इस तरह से लिख के दोस्तों इसे यहाँ से आप जो है बड़ा कर सकते हो, और आप चाहे तो थोड़ा सा छोटा भी रख सकते हैं। इसके साइड में दोस्तों यहाँ से आप अपना फोटो लगा सकते हो, तो यहाँ पे आपको प्लस वाले पे ऊपर प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम गैलरी लिखा हुआ था, गैलरी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आप अपना कोई भी एक फ़ोटो ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपना फ़ोटो इस तरह से आप यहाँ पर लगा सकते हो। लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे इस पर ओके कर दीजिए, ये हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे थंबनेल जो बड़ा छोटा हो रहा है, तो इसे आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। इसके साइज को भी दोस्तों यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मैंने जो है यहाँ पे इसके साइज को भी छोटा कर दिया है और थंबनेल को भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों अब यह जो है हमारा थंबनेल बन चुका है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ से आप बना सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप इन सब के टेक्स्ट के कलर भी चेंज कर सकते हो, स्टाइल इनका चेंज कर सकते हो, 3D में कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं दोस्तों मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। तो आपको दोस्तों यहाँ पे मैक HD लिखा हो जैसे, इसी पे आपको टच कर देना है। टच करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको स्लाइड कर देना है और यहाँ पे बी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे आप बी वाला सिलेक्ट करके इसके हेडिंग को मोटा कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है लास्ट में, यहाँ पे 3D का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है नीचे आओगे तो कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे कलर वाले पे क्लिक करना है। कलर वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप रेड ले सकते हैं, और रेड पे ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो हमने लिखा था है Mac HD कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसको दोस्तों अगर आप रेड कलर और भी ज़्यादा देना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले ऑप्शन पे आपको जो है यहाँ पे जितना ज़्यादा इसे बड़ा करोगे पीछे की तरफ दोस्तों कलर जो है बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं रखता, बस थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे आपको फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे ऑन मोबाइल लिखा हुआ, तो इसका भी आप जो है 3D दे सकते हैं, यहाँ पे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे कलर पे जाना है। आप यहाँ से चाहे तो आप इसे ब्लू दे सकते हैं या ग्रीन, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ग्रीन को चूज़ कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है और यहाँ से दोस्तों आप अपना फ़ोटो छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो अब ये दोस्तों हमारा थंबनेल बन चुका है और इसका साइज आप चाहें तो इधर से उधर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना अच्छा दोस्तों यहाँ पे थंबनेल बन चुका है। काफ़ी आसानी से यहाँ से आप इस तरह से थंबनेल बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको जो है ऊपर यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहा है, तो इस पर 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो एक्सपोर्ट इमेज लिखा हुआ, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों सेव टू गैलरी का ऑप्शन है, तो सेव टू गैलरी पे क्लिक कर दीजिए और ये आपका इमेज जो है सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है मेरा जो थंबनेल बन चुका है और ये गैलरी में सेव भी हो चुका। अब मैं चाहूँ तो इसे अपने वीडियो पे लगा सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना थंबनेल यहाँ से बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसका अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं अभी भी, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको कलर पर जाना है और यहाँ से आप जो है कोई भी थंबनेल यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। वाइट चाहें तो आप वाइट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, तो इन सब कलर को आपको दोस्तों यहाँ से
सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से दोस्तों इस थंबनेल को आप आसानी से यहाँ से इस एप्लीकेशन से बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।